मुफ्ती साहब का है। अच्छा जी बोलें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित 2013 के शिक नंबर 267 के ज़ैली शिक नंबर 1 के तहत सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित 2013 में तरमीम तजवीज़ करता हूँ कि सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित के शिक नंबर 28 में नई ज़ैली शिक नंबर 5 को शामिल की जाए, ताकि असम्बली की हर नशिस्त में जब आज़ान का वक्त होगा तो ऐवान में आज़ान दी जाएगी और इसके बाद नमाज के लिए 15 मिनट का वक्फा होगा। स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहिबा, ये प्रिविलेज मोशन इनका चल रहा है, इनका प्रिविलेज मोशन चल रहा है, इसके बाद बात कर लीजिएगा। देखें, एक देखें, मेरी बात सुने मोहम्मद कासिम साहब, आप इस तरह से नहीं, आप मिनिस्टर फॉर पार्लियामानी अफेयर्स, आप बताएं स्पीकर साहब ने ऐसा कोई हुक्म दिया है? आप तशरीफ़ रखिए। मैडम मैं अगर इजाज़त हो कुछ बोलूं। जी इजाज़त हो, आप तशरीफ़ रखिए। ये बात हुई थी, मैं अग्री करता हूं इस बात पर कि 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, ये बात अग्री की थी स्पीकर साहब ने, मगर इंश्योर करें कि 15 मिनट में वापस सब हाउस में आ जाएं क्योंकि बिजनेस चलाना है। ओके ओके, द हाउस इज अर्जेंट फॉर 15 मिनट्स। थैंक यू फॉर द नमाज ब्रेक।